बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9, यूनिट 1, एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस की इकसाम देखेंगे। तो सबसे पहले, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम जो है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम जो है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रोज़ दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती। इसमें रोज़ वन है और कॉलम जो हैं वो दो हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स में देखें, दो रोज़ हैं और तीन कॉलम हैं, तो ये एक रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स में जितनी रोज़ होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। कॉलमों की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर होती है, इसको स्क्वेयर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें दो रोज़ हैं, दो कॉलम हैं, ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, इसमें तीन रोज़ हैं, तीन कॉलम हैं। नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जब किसी मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो ऐसा मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा वो उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ए टी के साथ। इस तरह कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है तो उसको बी टी के साथ डिनोट करेंगे। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? हम उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं, लेकिन आपने एक ऑपरेशन करना है, या फिर रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम्स को रो में चेंज करना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये देखें, हमने क्या करना है, हमने जो इसकी रोज़ हैं ठीक है, इसको बदल देना है कॉलम में। जो फर्स्ट रो है ठीक है, उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, और जो सेकेंड रो है उसको हमने सेकेंड कॉलम में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो 1 2, ये एक रो है ठीक है जी, इसको हमने कॉलम बना देना, और 4 5, ये सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे लेते हैं? उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की अलामतें बदल देते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? आपने ए के साथ नेगेटिव लगाना और इसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की अलामतें चेंज कर देनी है। जो माइनस का है उसको प्लस कर देना, प्लस वन हो जाएगा, ज़ीरो वैसे रहेगा, 3 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी के मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी कि अपने ओरिजिनल के बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। यानी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने लिया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद वो ए के बराबर ही आ जाए, तो ये ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 -1 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 4 0। अब गौर से देखें कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर 0 0 -1 -1 3 3, तो ये क्या साबित हुआ कि ए जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल आ गया।
नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जब किसी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में चेंज करना है। 0 2 3, 0 2 3, -2 0 1, -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 और 0। अब आपने गौर करना है कि क्या ये ए टी जो है वो इसका नेगेटिव है कि नहीं है। ये देखें 0, ठीक है, +2 -2, +3 -3 -2 2, ठीक है जी, 1 -1 -3, +3 -1 +1। तो क्या साबित हुआ कि जो ट्रांसपोज है वो इस ए का नेगेटिव है। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगनल एंट्रीज क्या होती हैं। तो इसमें ये जो एंट्रीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड डायगनल एंट्रीज। ये डायगनल कहलाती हैं और जो बाकी इसके अलावा होती हैं दीज आर कॉल्ड नॉन डायगनल, ऑफ डायगनल्स। तो ए और डी क्या है? डायगनल्स हैं और बाकी जो हैं वो ऑफ डायगनल हैं। जब किसी मैट्रिक्स में ऑफ डायगनल एंट्रीज, डायगनल एंट्रीज के अलावा जो एंट्रीज हैं वो तमाम जीरो हों और जो डायगनल एंट्रीज हैं उसमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। कम से कम एक या इससे ज़्यादा भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन जो तमाम ऑफ डायगनल एंट्रीज हैं वो जीरो हों तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स में देखें जो ऑफ डायगनल एंट्रीज हैं वो तमाम नॉन जीरो हैं और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। इस तरह यहाँ पर देखें, ठीक है, एक ये नॉन जीरो और एक ये नॉन जीरो और बाकी तमाम जो हैं ऑफ डायगनल्स जीरो हैं, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें? यहाँ पर डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होती हैं लेकिन जीरो नहीं होती और वन नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये देखें, डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है। डायगनल एंट्रीज जो हैं वो एक तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो होगी तो फिर नल मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर वन होगी तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में जितनी भी डायगनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सेम होती हैं। ये देखें, ये भी स्केलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सारी सेम है। जो लास्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो डायगनल एंट्रीज हैं वो क्या हों? वन हों, और ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या हों? जीरो हों। जो डायगनल एंट्रीज हैं वो वन हैं और जो ऑफ डायगनल हैं वो जीरो हैं। इसी तरह ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। इस तरह ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि तमाम डायगनल एंट्रीज क्या है? वन है, और ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या है? जीरो है। स्केलर मैट्रिक्स को देखें, ये भी डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें, ये भी डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। यानी कि ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या है? जीरो है। यहाँ पर भी ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या है? जीरो है, और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है जी। अगर डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो अदर देन जीरो वन तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, अगर डायगनल एंट्रीज क्या हो वो वन हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी।
अगर वैसे नॉन जीरो हो, ठीक है जी, ये वाली कंडीशन ना पाई जाए या ये वाली कंडीशन ना पाई जाए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी कि हर स्केलर मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। टाइप्स हमने अच्छी तरह समझ ली हैं, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो, ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 0 हो। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हों? 0 हों। तो ए वाला तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये 0 मैट्रिक्स या फिर इसका क्या नेम होता है? नल मैट्रिक्स। और बी जो है इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। सी को देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स। डी को देखें, इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो 1 है और ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, और इसका जो दूसरा नेम होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। और ई को देखें, इसके अंदर एक एलिमेंट है वो 0 है, तो ये एक नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। और एफ को देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है स्केल मैट्रिक्स कौन से हैं, रिक्टेंगुलर कौन से हैं, रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन सी है और नल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम, पहले देखते हैं हम स्केल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो स्केल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज हों उतने ही कॉलम हों, यानी कि रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो, वो स्केल मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखें आप, इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, ठीक है, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, और इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है जी। तो जो 3 है ये स्केल मैट्रिक्स है। उसके बाद जो 4 है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, और इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, और इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो 8। और 9 वाला जो है ये नहीं है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अब हम देखते हैं रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, ये भी रिक्टेंगुलर है। 1, उसके बाद 2 भी, ठीक है, इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। उसके बाद ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 5, 6, 7, और ये लास्ट वाला 9। अब हमने देखना है रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक रो वाले कौन से हैं जी? ये इसमें जो है ये एक रो है। नेक्स्ट है जी कॉलम मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। एक कॉलम, इनमें से देखें किसमें एक कॉलम है जी? 2 और 7। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इनको हम यूनिट मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ये ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं जिनमें ऑफ डायगोनल एंट्रीज तमाम 0 होती हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1। देखें, ये देखें, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4 और देखें कोई इसमें जी? और नहीं है कोई भी। आगे है जी नल मैट्रिसेस।
नल मैट्रिसेस जिनको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनमें तमाम एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। तमाम एलिमेंट्स किसके जीरो हैं? जी नाइन। क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। बताना आपने डायगनल कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं और यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं। डायगनल क्या होते हैं? ये ऐसे स्केलर मैट्रिसेस होते हैं जिनमें डायगनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो, ठीक है, या उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, और जो ऑफ डायगनल एंट्रीज होती हैं वो तमाम क्या हों, जीरो हों। और स्केलर क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे ये डायगनल मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं स्केलर। ये ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें ऑफ डायगनल एंट्रीज जीरो होती हैं और जो डायगनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन वन नहीं होती। और यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं? इनमें ऑफ डायगनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो होती हैं और जो डायगनल एंट्रीज होती हैं वो वन होती हैं। तो मैट्रिक्स ए है जी, इसमें ऑफ डायगनल एंट्रीज जीरो हैं और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अगर इसकी जगह वन वन होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता और यहाँ पर कोई और नंबर होता है तो ये बन जाना था, इसने डायगनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर फोर होता और यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है, तो फिर इसने बन जाना था डायगनल मैट्रिक्स। तो फिलहाल अब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये सेम है, डायगनल एंट्रीज जो हैं एक जैसी हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। बी को देखें, ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या है? जीरो है, और डायगनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। सी को देखें, सी में जो ऑफ डायगनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो वन है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डी को देखें, जो ऑफ डायगनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं और जो डायगनल एंट्रीज हैं, ठीक है जी, उसमें से एक जो है वो नॉन जीरो है, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है जी। ई को देखें, 5 माइनस 3 इक्वल्स 2 और 1 प्लस 1 2। ऑफ डायगनल एंट्रीज क्या है? जीरो है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, ठीक है। तो जब डायगनल एंट्रीज जो है वो एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं अदर देन वन, ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर फोर में 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके आपने नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए, हम किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की अलामतें बदल देते हैं। तो ये दो मैं कर देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेने। तो नेगेटिव के लिए आपने ए के साथ नेगेटिव लगा देना, उसके बाद जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी की अलामतें बदल देनी हैं। +1 -1 0 वैसे का वैसे, ठीक है, -1 +1। इस तरह यहाँ पर भी आपने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद नेगेटिव ई इक्वल और जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी अलामतें बदल देनी हैं। +1 -1 -5 +5 2 -2 3 -3। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर पाँच में हमने सभी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज हम कैसे मालूम करते हैं? हम उस मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए के साथ आपने छोटा सा टी लगा देना, ए ट्रांसपोज। तो ये एक कॉलम है, इसकी आपने एक रो बना दी। ये बी है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? इस ये एक रो है, इसकी आपने कॉलम बना देनी है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और ये एफ है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देना, 1 2। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना, 3 4। ट्रांसपोज लेते वक्त आप रोज को भी कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को भी रोज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक काम करना है, या रोज को कॉलम में चेंज कर लेना है या कॉलम को रो में चेंज कर लेना है। टोटल 6 मैट्रिसेस हैं, मैंने 3 का ट्रांसपोज मालूम कर दिया है, बाकी 3 का आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मालूम हमने क्या करना है? हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, और आंसर जो है
वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का दो दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें हासिल होता है वो उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल के बराबर होता है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों सेम तरह के हैं, मैं इनमें से एक सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए हमने ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। उसके बाद ये सेकंड रो 0 1 इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ये हो गया ट्रांसपोज ए का। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। इसका हमने फिर ट्रांसपोज लेना है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देना 1 0 और जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देना। अब आपने देखना है कि जो ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला, ये इसके इक्वल है कि नहीं है। जी बिल्कुल है। इससे हमें क्या साबित हुआ कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मैट्रिक्स ओरिजिनल हासिल होगा।